वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आई, स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स के हमारे आज के इस सेशन में। आज 7th ऑफ अगस्त 2024 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। ये कई सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिन पर हम एक एक करके बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले आर्टिकल के साथ। हमारा फर्स्ट आर्टिकल यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी के बारे में है। यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी, जिसको 1949 में बनाया गया था, जब अरब इसराइल वॉर होता है 1948 का और फिलिस्तीन के एक बड़े हिस्से पर इसराइल का कब्जा हो जाता है, कई सारे फिलिस्तीनी बेघर हो जाते हैं, उन्हें डिस्प्लेस होना पड़ता है। उनके पास ना खाने को खाना था, ना रहने को घर, ना ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल्स और ना पढ़ाई करने के लिए स्कूल्स। ऐसी कंडीशन में काम शुरू किया यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी ने। इन्होंने गाजा और इजरायली ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक में जो वेलफेयर एक्टिविटीज़ हैं उन पर काम करना शुरू किया। इनके एस्टैब्लिशमेंट लेबनान, सीरिया और जॉर्डन में भी रहे। अभी जब हमास और इसराइल का वॉर शुरू हुआ तो अक्टूबर 7 को फिलिस्तीन की ओर से, आइविल से, हमास की ओर से हमला किया गया इसराइल के ऊपर। अक्टूबर 7 के इस अटैक में कुछ खबरें निकल के आई कि जिन लोगों ने अटैक किया उनमें यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी के लोग भी शामिल थे। ऐसे 19 नाम सामने आए कि वो लोग जो हमलावर थे उसमें 19 यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी के स्टाफ मेंबर्स थे। हाल फिलहाल में इसको लेकर यूनाइटेड नेशंस ने जो इन्वेस्टिगेशन की उनमें क्या आउटकम निकल के आया, डिप्यूटी स्पोक्सपर्सन फरहान हक का ये कहना है कि कम से कम 9 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है जो UNRWA के स्टाफ हैं और अक्टूबर 7 के अटैक में ये शामिल थे। ठीक है, ये तो पूरा मामला यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी का रहा। मैं आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी ओवरऑल एज एन ऑर्गेनाइजेशन 58 रिफ्यूजी कैंप से चलाते हैं, जहां पर इनके पास लगभग 6 मिलियन रजिस्टर्ड रिफ्यूजीज हैं। ये 706 स्कूल चलाते हैं जहां पर लगभग 5.5 लाख स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। 140 प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं जहां पर लगभग 7 मिलियन लोग विजिट करते हैं। इन्हें 2022 में 1 बिलियन से ज़्यादा फंड्स मिले थे फिलिस्तीनियंस की, जो फिलिस्तीन के लोग हैं उनके लिए, रिलीफ वर्क्स के लिए। ये उनके लाइवलीहुड को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी की रोल प्ले करते हैं, उनको फूड, वाटर और शेल्टर जैसी बेसिक ज़रूरतें पूरी करते हैं। ये पूरी तरीके से डोनेशंस पर डिपेंडेंट हैं, क्योंकि देखो यूनाइटेड नेशंस की ओर से इन्हें कुछ खास पैसे मिलते नहीं हैं, और जो पैसे इनको मिलते भी हैं वो इनकी मुश्किल से एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को ही पूरा कर पाते हैं। तो ये तो पूरा मामला UNRWA का रहा। हमारा अगला आर्टिकल कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फीजी के बारे में है। हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को हाल फिलहाल में कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फीजी ये ऑनर ग्रांट किया गया, और ये मैं आपको बता दूं कि फीजी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, हाईएस्ट ऑनर है फीजी का, जिसे हाल फिलहाल में हमारी प्रेसिडेंट को दिया गया है। इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1995 में। ये किसी भी ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसने फीजी को कंट्रीब्यूट किया हो या फिर ओवरऑल मैनकाइंड को कंट्रीब्यूट किया हो। मुर्मू जी 2 दिनों के विजिट पर हैं फीजी के। उन्होंने कहा कि ये ऑनर जो फीजी की ओर से उन्हें दिया गया है ये रिफ्लेक्शन है भारत और फीजी के डीप फ्रेंडशिप का, टाइस का। ये पहली बार था जब इंडिया के हेड ऑफ द स्टेट यानी कि प्रेसिडेंट की फीजी में कोई भी विजिट हुई है। फीजी एज ए कंट्री कहाँ पर लोकेटेड है अगर मैं आपको बताऊँ तो सबसे पहले तो ये आपको साउथ पैसिफिक ओशन में मिलेगा, ओसिनिया का जो मेलिनेशिया का पार्ट है वहाँ पे। ये 330 आइलैंड से मिलकर बना एक देश है जिसकी जो कैपिटल है वो सुवा है, और जो लार्जेस्ट आइलैंड है ये विति लेवू है। ये कोरोसी को घेरता है, नॉर्थ ऑफ ऑकलैंड और न्यूजीलैंड इसके आसपास ही हैं। ये एक्चुअली में वॉल्केनिक एक्शन से बने आइलैंड्स का एक ग्रुप है। सेडिमेंटरी डिपॉजिट्स और कोरल्स के फॉर्मेशंस के भी आइलैंड्स मिलेंगे। नेबरिंग कंट्रीज में वनुआतू, टोंगा, न्यू सेलिडोनिया और समोआ शामिल हैं। हमारा अगला आर्टिकल आफ्सपा के बारे में है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जो सिक्योरिटी फोर्सेस को बिना किसी पाबंदी के अरेस्ट करने का और डाउट होने पर ओपन फायर करने की अथॉरिटी देता है, इसे नॉर्थ ईस्ट के ज़्यादातर हिस्सों से अब हटा लिया गया है। कुछ राज्यों में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां पर ये कानून अभी भी एप्लीकेबल है।
ये जानकारी पार्लियामेंट को हाल फिलहाल में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम के द्वारा दी गई। कहाँ अभी इम्प्लीमेंटेड है आफ्सपा, पहले ये बताता हूँ, फिर बताता हूँ कि आफ्सपा है क्या। चलो अच्छा, पहले यही बता देता हूँ कि आफ्सपा एज ए लॉ क्या है। आफ्सपा जैसा सिमिलर कानून क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान अंग्रेजों ने बनाया था 1942 में। ऑब्जेक्टिव था क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हें कर्ब करना। जब देश आज़ाद हुआ तो मन में एक सवाल आया कि क्या ऐसे कानून की देश को ज़रूरत है, और जवाब था हाँ, क्योंकि देश में चैलेंजेस और परेशानियाँ तो आज़ादी के बाद भी थी। इंसर्जेंसी, सीसेशन, ऐसी प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए ऐसे सख्त कानून की ज़रूरत थी। तो पार्लियामेंट ने पहले तो ऑर्डिनेंस के तौर पर इस कानून को कंटिन्यू किया, बाद में इसे 1958 में एक कानून में कन्वर्ट कर दिया गया। कानून बना आफ्सपा। आफ्सपा का जो सेक्शन 3 है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अथॉरिटी देता है, इवन स्टेट के गवर्नर को भी, कि वो किसी भी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर किसी एरिया को एज ए डिस्टर्ब्ड डिक्लेयर किया गया है तो वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज के लोगों को एक्सेसिव अथॉरिटी मिल जाती है। एक्सेसिव अथॉरिटी का मतलब क्या है, वो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं, बिना वारंट के किसी भी प्रिमाइस को सर्च कर सकते हैं, डाउट होने पर गोली मार सकते हैं। जिसे गिरफ्तार किया जाएगा उसी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जो एक एलोकेटेड ऑफिसर हैं उनको सौंप दिया जाएगा। आफ्सपा का जो सेक्शन 3 है वो किसी भी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करने की अथॉरिटी ग्रांट करता है। कोई भी ऐसा एरिया जहां पर रिलीजियस, रेशियल या लैंग्वेज के बेसिस पर कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो उस एरिया में पीस को मेंटेन करने के लिए आफ्सपा का इस्तेमाल किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट और यूटीज के एडमिनिस्ट्रेटर या गवर्नर्स इसकी जिम्मेदारी उठाते हैं। कहाँ है अभी आफ्सपा? कह रहे हैं ख़त्म हो गया है। अरे नहीं, बहुत सारी जगहों पे अभी भी है। त्रिपुरा से आफ्सपा को 2015 में पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। मेघालय में 2018 में ये पूरी तरीके से ख़त्म हुआ। अरुणाचल प्रदेश में ये पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, धीमे धीमे वहाँ से हटा रहे हैं। जैसे कि नामसाई डिस्ट्रिक्ट के 3 पुलिस स्टेशन में ही केवल ये अभी है वहाँ, बाकी 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे कि तिरापी, चांगलोंग और लोंगडिंग, वहाँ पर अभी भी ये इम्प्लीमेंटेड है। मणिपुर में ये 7 डिस्ट्रिक्ट के 19 पुलिस स्टेशन से हटाया जा चुका है। नागालैंड में पार्टली हटा लिया गया है, अभी ये केवल 8 डिस्ट्रिक्ट्स में एप्लीकेबल है और बाकी के 5 डिस्ट्रिक्ट के 21 पुलिस स्टेशन के एरियाज में अभी भी आफ्सपा एप्लीकेबल है। तो आफ्सपा नॉर्थ ईस्ट के ज़्यादातर हिस्सों से धीमे धीमे हट रहा है, कुछ हिस्सों में ये अभी भी है। हमारा अगला आर्टिकल पीएम कुसुम स्कीम के बारे में है। लगभग 4 लाख फार्मर्स को फ़ायदा हुआ है पीएम कुसुम स्कीम से। जून 30 का डेटा हमारे पास है। ये क्या है ये पीएम कुसुम स्कीम? इसमें फार्मर्स को सोलर पावर प्लांट की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जा रही है ताकि वो इसकी मदद से इरिगेशन पंप चला सकें और इसकी मदद से वो कर सकें अपना इरिगेशन। नाउ पीएम कुसुम एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव था जिसे इंडियन गवर्नमेंट ने 2019 में लॉन्च किया था। ये हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को रिवोल्यूशनाइज करने का एक एफर्ट है, जहाँ पे हम सोलर एनर्जी के सॉल्यूशन के थ्रू इरिगेशन की फैसिलिटीज़ को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये डिमांड ड्रिवन मॉडल पे काम करता है। डिमांड ड्रिवन मॉडल का काम करने का मतलब क्या है कि अलग अलग स्टेट्स और यूटीज डिमांड करते हैं कि भाई हमारे यहाँ इतने किसानों को आप सोलर पंप दे दो, तो उनको वो सोलर पंप प्रोवाइड करवाए जाते हैं या फिर सोलर पैनल्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इस स्कीम के जरिए हमने अपनी सोलर एनर्जी को 2026 तक 30.8 गीगावाट तक बढ़ाने का मन बनाया है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी को इसे इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। फार्म सेक्टर को डीजलाइजेशन के ओर लेके जाना है, डीजल का कम से कम इस्तेमाल हो और सोलर पावर का इस्तेमाल करके इरिगेशन किया जाए। फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी क्योंकि उनके पास सोलर पंप्स अब सोलर पैनल्स के थ्रू चलेंगे, बिजली के ऊपर खर्चा कम आएगा, वाटर और एनर्जी सिक्योरिटी भी इंश्योर होगी और हम एनवायरमेंट में हो रहे डीजल के पोल्यूशन को भी कम कर पाएंगे। कंपोनेंट की बात करते हैं तो 1.75 मिलियन ऑफ ग्रिड एग्रीकल्चर सोलर पंप डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। 10,000 मेगावाट सोलर प्लांट्स तैयार किए जाएंगे बैरन लैंड्स के ऊपर। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज यानी कि डिस्कॉम्स अगर बिजली ज़्यादा बनती है तो खरीदेंगी और उसका इंसेंटिव फार्मर्स को मिलेगा। ट्यूबवेल्स, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट पंप्स अब सोलर पावर से चलेंगे। खर्चा बहुत आता है सोलर पैनल लगाने का, तो पीएम स्कीम, पीएम कुसुम स्कीम क्या इसका कोई सोल्यूशन देती है? बिल्कुल। सपोज करते हैं कि सोलर पैनल लगाने का जो खर्चा है वो 100 रुपये है, तो आप 60 रुपये छोड़ दीजिए, 60 रुपये सरकार देगी, आप केवल 40 पे फोकस करिए। अगर सपोज करते हैं कि सोलर पैनल लगाने का 1 लाख का खर्चा आ रहा है
तो 60,000 की सब्सिडी मिल जाएगी आपको, आपको केवल 40,000 रुपए ही खर्च करने होंगे। लेकिन मेरे पास तो 40,000 भी नहीं है, मैं कहाँ से लगाऊँ सोलर पैनल? अरे टेंशन वाली बात नहीं है, 10,000 है कि नहीं है? 10,000 है, 30,000 बैंक से लोन दिलवा देंगे। तो मतलब 1,00,000 का खर्चा आने वाला है, तो 60,000 की सब्सिडी मिल जाएगी, 30,000 का बैंक का लोन मिल जाएगा, 10,000 अपनी जेब से डालने पड़ेंगे। अब 10,000 भी नहीं है तो मत लगवाओ भैया, अपने घर पे रहो, बस सोलर पैनल लगवाना है, थोड़ा बहुत तो खर्चा करना पड़ेगा ना, तो 10,000 लगाना पड़ेगा, 10% खर्चा आपका, 30% लोन मिल जाएगा, 60% सरकार सब्सिडी दे देगी। बहुत आसान हो जाता है पीएम कुसुम स्कीम के तहत सोलर पैनल को इंस्टॉल करवाना। हमारा अगला आर्टिकल वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 के बारे में है। वर्ल्ड बैंक ने हाल फिलहाल में इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया और चर्चा की मिडिल इनकम ट्रैप की। क्या होता है ये मिडिल इनकम ट्रैप? अगर आप कभी नौकरी करने जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, हम सभी जॉब्स में ग्रोथ चाहते हैं, लेकिन ये ग्रोथ इतनी आसान नहीं होती और इतने आराम से मिलती भी नहीं है। कई दफ़ा क्या होता है ना कि आप सपोज करिए कि परफॉर्म करना शुरू करते हैं, लेकिन एक समय पर जाके आपकी ग्रोथ रुक जाती है। आपने अक्सर पढ़ाई में भी ऐसा महसूस किया होगा कि शुरू में जब आप अपनी तैयारी शुरू करते हैं तो आपकी नॉलेज का लेवल काफ़ी तेज़ी से इन्हेंस होता है, लेकिन फिर एक स्टैग्नेशन की सिचुएशन आती है। आप पढ़ तो रहे होते हैं लेकिन आपको ऐसा महसूस होता है कि नॉलेज लेवल में कुछ एडवांस नहीं हो रहा है, मतलब आपकी एजुकेशन में ग्रोथ नहीं हो रही, आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़ नहीं रही, और आप एक ट्रैप में फंस जाते हैं। यूपीएससी की प्रिपरेशन में लोग अक्सर नॉलेज ट्रैप में फंसते हैं, नॉलेज ट्रैप में आपकी इन्फॉर्मेशन स्टैग्नेंट हो जाती है। एक जो थ्रेशोल्ड आपको ब्रीच करना है जिसके बाद आपका एग्जाम में सिलेक्शन होगा, आप उस थ्रेशोल्ड तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, और बहुत सारे लोग मिडिल लेवल की पढ़ाई में फंस जाते हैं। ऐसा ही देशों के साथ होता है। कई सारे देश जो लोअर इनकम कंट्रीज होती हैं वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो करती हैं और मिडिल इनकम कंट्री बन जाती हैं, लेकिन मिडिल इनकम कंट्री बनने के बाद हाई इनकम कंट्री बनने का जो दौर होता है ना वो बड़ा मुश्किल होता है, वो हाई इनकम कंट्री बन नहीं पाते। कंट्रीज जो वेल्दियर हैं वो अक्सर ग्रोथ प्लेटू पे फंस जाते हैं। ग्रोथ प्लेटू का मतलब ये है कि आप जमीन से ऐसे ग्रो करना शुरू करते हैं, ठीक है, लेकिन फिर आप यहाँ फंस गए हैं, अब आप इसके ऊपर जा नहीं पा रहे हैं। मतलब आपको जाना यहाँ है, आपको जाना एक्चुअली में यहाँ पे है, लेकिन आप फंस जाते हैं यहाँ पर और आप इसके ऊपर बढ़ नहीं पा रहे हैं। इसे ग्रोथ प्लेटू कहा जाता है। मतलब यहाँ पर आप लोअर इनकम कंट्री थे और यहाँ पर आप मिडिल इनकम कंट्री तो बन जा रहे हैं, लेकिन यहाँ हाई इनकम कंट्री बनने के लिए जो रास्ता है वो आपसे तय नहीं हो पा रहा है। 1990 में जैसे ये बताया जा रहा है कि यूएस की जो जीडीपी है, पर कैपिटा जीडीपी है, उसका 10% तक तो कंट्रीज पहुंच जा रही हैं, लेकिन उसके आगे का सफ़र बड़ा मुश्किल हो जा रहा है, वो तय नहीं कर पा रहे हैं। 1990 में जो देश थे लोअर, जो मिडिल इनकम कंट्रीज हुआ करती थी, उनमें से केवल 34 ऐसी कंट्रीज थी जो अभी हाई इनकम स्टेटस अवेल कर पाई हैं। 2023 तक केवल 108 ऐसी कंट्रीज रहीं जिनको हम मिडिल इनकम कंट्री में क्लासीफाई कर पाए थे, जो 75% ग्लोबल पॉपुलेशन और 40% वर्ल्ड जीडीपी कवर करते हैं, वो मिडिल इनकम ट्रैप में फंस चुके हैं, वो हाई इनकम कंट्री नहीं बन पा रहे हैं। क्या कारण है? उनकी पॉपुलेशन एज कर रही है, वहाँ यंगर पॉपुलेशन घट रही है। इन इकोनॉमीज में प्रोटेक्शनिज्म भी देखने को मिलता है, एनर्जी ट्रांजिशन भी एक्सेलरेट हो रहा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ प्रभावित हो रही है। लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज जो हैं, 2007 में इंडिया उस कैटेगरी में चला जाता है, ठीक है, इसकी जो करंट ग्रॉस नेशनल इनकम है वो 2540 डॉलर पर कैपिटा है। जो करंट ग्रोथ रेट है उसके हिसाब से हमें यूएस की पर कैपिटा इनकम का 1/4 पहुंचने में अभी 75 और साल लगेंगे। ये तो गलत बात है ना, दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो एटमॉस्फेरिक रिवर्स के बारे में है। आसमान में बहने वाली नदियाँ। अच्छा, आसमान में नदी कैसे बहेगी भाई? एटमॉस्फेरिक रिवर्स जो दिखती तो नहीं है, लेकिन ये इंडिया के अलग अलग हिस्सों में तेज बारिश करवाती हैं। ये कुछ ऐसे होता है कि ये एक विंड का फ्लो होता है जो अपने साथ खूब सारा मॉइस्चर लेके जाता है, तो मॉइस्चर कंटेंट कैरी करते हुए विंड्स की रिवर्स जिनके पास खूब सारा मॉइस्चर है वो एक स्ट्रैप में चलती हैं, एक नैरो स्ट्रैप में, उन्हें कहा जाता है एटमॉस्फेरिक रिवर। हवा में मॉइस्चर लैडन विंड्स की एक रिवर, एटमॉस्फेरिक रिवर। ये पोल बाउंड स्ट्रीम्स होती हैं जो एक दिशा में जा रही होती हैं, इनके पास खूब सारा वाटर वेपर होता है। ये जैसे जैसे नॉर्थ की ओर ट्रेवल करते हैं ये बहुत ज़्यादा बारिश करते हैं। एटमॉस्फेरिक रिवर जो होती है वो मॉइस्चर का एक प्लूम होता है, प्लूम मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ मॉइस्चर या वाटर वेपर।
जो ट्रॉपिक्स में काफी इकट्ठा होता है और किसी भी रीजन में जाके सारा मॉइस्चर डंप करके खूब सारी बारिश करवा देता है। इनमें आपको बहुत नैरो बैंड देखने को मिलेंगे, हल्के बैंड्स होते हैं, बहुत हैवी बैंड नहीं होते। मिड लैटिट्यूड स्टॉर्म्स में इनका एक की कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। हैवी प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल में इन एटमॉस्फेरिक रिवर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। वर्टिकल इंटीग्रेटेड वेपर ट्रांसपोर्ट, ये एक मेट्रिक है जिसकी मदद से हम एटमॉस्फेरिक रिवर में मॉइस्चर कंटेंट को मेजर करते हैं। ठीक है, हमारा अगला आर्टिकल स्टैंडर्डाइज्ड प्रेसिपिटेशन इंडेक्स के बारे में है, कहाँ बारिश कितनी ज़्यादा होगी। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एनालाइज किया है ट्रेंड बारिश का। हम देख रहे हैं कहीं कहीं फ्लड्स आ रहे हैं, लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, केरला में अभी कितने सारे लोगों की जान गई हम सभी जानते हैं, हिमाचल और कश्मीर में भी ये माहौल बना हुआ है लैंडस्लाइड्स का। 2021 में जो एक्सट्रीमली ड्राई और सीवियर ड्राई कंडीशंस थी ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री के कंपैरिजन में, वो ज़्यादा देखने को मिली। एक्सट्रीम रेनफॉल और फ्लडिंग इवेंट्स को अगर आप देखो तो ये इंडिया के कुछ हिस्सों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जैसे कि पेनिनसुलर इंडिया, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया के कुछ हिस्से। फ्लड 2017 में जहां 8 राज्य काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे, वहीं 2021 में 15 राज्य हैं जो काफ़ी ज़्यादा फ्लड से इम्पैक्ट हुए हैं। तो मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। लास्ट सेशन में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, उसका जवाब जैसे क्वेश्चन था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जवाब था निदरवन नॉर टू। एक क्वेश्चन मैंने आपसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में पूछा था, फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन वॉज करेक्ट। इसके बाद मैंने आपसे सवाल पूछा था वैले ब्रिज के बारे में, केवल पहला स्टेटमेंट करेक्ट था। आज के सवाल देखिए, मिडिल इनकम कंट्रीज अक्सर हाई इनकम स्टेटस में ट्रांजिशन में स्ट्रगल करती हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, ये जो कंट्रीज होती हैं ये मिडिल इनकम ट्रैप एक्सपीरियंस करती हैं, जहाँ पे वो सर्टेन एक्सटेंट तक तो डेवलपमेंट अवेल कर लेती हैं लेकिन उसके आगे वो ग्रोथ अवेल नहीं कर पाते हैं। बताइए कौन सा सही कौन सा गलत। ये दूसरा जो क्वेश्चन है वो एटमॉस्फेरिक रिवर्स के बारे में है। ये मॉइस्चर का प्लूम है जो पोल से ट्रॉपिक्स की ओर बहता है, ये यूजुअली हैवी प्रेसिपिटेशन कॉज करते हैं। तीसरा, ARCs मॉइस्चर कैरी करते हैं वर्ल्ड के मेजर रिवर्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट कौन सा इनकरेक्ट। सेशन की PDF मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, QR कोड स्कैन करिए और ज्वाइन करिए और डाउनलोड करके रिविजन करिए अपनी इन PDFs के थ्रू। इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को अलविदा और बहुत बहुत धन्यवाद।